डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज्जज सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मुअज्जज सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं अलाओ और मैं हूं असद। इससे कबल आप अलाओ की 43 सुन चुके हैं, अब किस्त 44 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। एक खास किस्म की नागवार बू फैली हुई थी। बहरहाल ये बू ऐसी थी जिसे बर्दाश्त किया जा सकता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई थी। वो काफी देर तक झील को देखती रही, फिर अपने ऐनक को दुरुस्त करते हुए बोली, अपने पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें एक 4 मंजिला इमारत दिखाई देगी, पीले रंग की है। उसके कहने पर मैं मुड़ा और सामने देखने लगा। एक बड़ी सी इमारत थी जिस पर महराब बने हुए थे। मुझे यूं लगा जैसे वो कोई सरकारी इमारत है। वो सब्ज दरख्तों से ढकी हुई थी। ये 5-स्टार होटल है, इसके सामने तो ये शाहराह है, लेकिन इसके अक्कम में एक तरफ नशीब है और इसके आगे पहाड़ी सिलसिला। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए कि आज इस होटल में सत्याराम की आमद होगी। क्या कह रही हो तुम? मैंने चौंकते हुए कहा। मैं ठीक कह रही हूं, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, मेरी अब तक की यह इतला है कि सत्याराम और शिव नारायण के दरमियान सुलह करवाई जा रही है। ये सुलह करवाने वाले जाहिर है इनसे ज्यादा बड़े लोग हैं। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वो यहीं आएंगे? मैंने पूछा। इन लोगों की जब भी मीटिंग होती है इसी होटल में होती है। मैं कुछ मजीद बातें बताकर तुम्हें नफसियाती दबाव में नहीं लाना चाहती, इसने धीमे से अंदाज में कहा। तुम बता दो, मेरे दबाव की परवाह मत करो, मैंने सुकून से कहा। तो फिर सुनो, सुलह करवाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कल्याण जी बनाई हुई है। ये रियासत के लोग हैं और ये इलाका समझो आर्मी का है। ओह, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। वो खामोश रही, उसने किसी किस्म का रद्द अमल जाहिर नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया कि इस होटल में एक कमरा बुक है, दूसरी मंजिल पर होगा। वही रात वाली लड़की सोनिया वहां मौजूद है। कुछ देर में दो लड़के भी यहीं आ जाएंगे। वो रबते में तो होंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे। मैं तुम्हें पोर्च में उतार कर आ जाऊंगी, तुम मेरे साथ, मैंने कहना चाहा तो वो बोली। मैं किसी कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, सोनिया की बात कुछ और है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी अगर हम मिल सके तो, उसने साफ लफ्जों में कहा और चलती। मैंने तवील सांस ली और उसके साथ साथ चलने लगा। गाड़ी में बैठकर जब वो चलने लगी तो वो बोली, अपना पिस्टल डैशबोर्ड में छोड़ दो, स्कैनिंग में आ जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैंने हैरत से पूछा। सोनिया सब कुछ ले जा चुकी है, उसे मिल जाएगा, उसने कहा और गियर लगा दिया। कुछ देर बाद वो मुझे पोर्च में छोड़कर जा चुकी थी। मैं लाउंज में पहुंचा ही था कि मेरी निगाह सोनिया पर पड़ी। वो मेरी तरफ यूं बड़ी जैसे हम बरसों के बिछड़े हुए शनासा हूं। वो मुझे साथ लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। वहां से वो सीधी एक कमरे में जा पहुंची। मैंने खिड़की खोलकर देखा, वो होटल का अकबी हिस्सा था। नीचे लान था जिसके आखिर में जाली नुमा बाउंड्री वाल थी, इसके आगे नशीब था। खिड़की में से हवा तेज आ रही थी जो कमरे में लगे एसी की खुनकी को खत्म कर रही थी। मैंने उसे बंद किया और एक कुर्सी पर बैठ गया। सुनीता मेरी तरफ देख रही थी। हमने डिनर हॉल के एक गोशे में किया जहां से लान दिखाई दे रहा था। सुनीता अपने बारे में मुझे बहुत कुछ बता चुकी थी। इसी सत्याराम ने इसके घर को आग लगाई थी। अगरचे इसमें सभी बच गए थे, सिर्फ जख्मी हुए थे, लेकिन इसकी मां जख्मों के ताब न लाते हुए मर गई थी। सत्याराम वहां की जमीन खरीद चुका था। सुनीता का बाप और उसके साथ कुछ लोग अड़े हुए थे। सुनीता का बाप एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था, इसलिए उसने इर्द गिर्द कई महकमों में दरख्वास्तें दे रखी थीं। बाकी लोग इसके पीछे थे। एक बार जब बहुत ही तंग कर देने वाली इंतहा हुई तो वो खुद सत्याराम के ऑफिस चली गई। इसने बड़ी मुश्किल से वक्त लिया और जाकर उससे इल्तजा की कि जैसे ही इनसे कुछ बन पड़ा वो यहां से चले जाएंगे, लेकिन इन्हें तंग न किया जाए। जिस पर सुनीता को धक्के देकर ऑफिस से निकाल दिया गया। आखिरकार सत्याराम के गुंडों का वो मुकाबला नहीं कर पाए, इन्हें वहां से जाना पड़ा। गुर्बत, जिल्लत और इंतकाम ने सुनीता को जुर्म के रास्ते पर गामजन कर दिया। वो इसी खुफिया नेटवर्क का हिस्सा बन गई जिसका साथ बमला दे रही थी। सुनीता के लिए इंतकाम का यह सुनहरी मौका था। उसने मेरा साथ देने के लिए सब कुछ तज दिया था। मेरा साथ देने में उसे आसानी भी थी। वो जानती थी कि सत्याराम की 1-2 महीने बाद इसी होटल में मीटिंग होती है। उसने बहुत सोच समझ कर यहां पर एक लड़का वेटर लगवा दिया था। इस लड़के को उसने हर तरह से अपना घरविदा बना रखा था। अगरचे वो लड़का अच्छे घर का था और होटल इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना चाहता था, लेकिन उसकी मदद के नाम पर वो उसे थोड़ी बहुत रकम देती रहती थी। यूं सत्याराम के बारे में जो जराए उसे मालूमात देते, वेटर से उसे तस्दीक हो जाती थी। उसने वेटर को पूरी तरह इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था।
उसने पहले ही एक बैग उसके जरिए होटल पहुंचा दिया था। फिर ऑनलाइन कमरा बुक कर लिया गया जिसकी अदायगी भी कर दी गई थी। वो बैग कमरे में पहुंच गया था जिसमें पिस्टल, मैगजीन, साइलेंसर थे। इसके साथ एक दस्ती मम भी इस बैग में रखा हुआ था। लड़के को पता ही नहीं था कि इस बैग में क्या है। सुनीता का ख्याल था कि कोई भी असलिया किसी वक्त भी इस्तेमाल हो सकता है। डिनर के बाद हम लान में टहलते हुए जाली वाली बाउंड्री के पास जा ठहरे जहां से नशीब शुरू होता था। इसके साथ ही घूमती हुई सड़क भी थी जो आबादी की तरफ जा रही थी। सुनीता, ये जैसी दो बिल्डिंगें हैं, अब न जाने वो किस बिल्डिंग के किस कमरे में आता है। इसकी तुम फिक्र मत करो, वो यहीं सामने वाली बिल्डिंग में आते हैं और हमेशा दूसरी मंजिल के चौथे कमरे में मीटिंग करते हैं। ये मखसूस है, होटल वालों ने मीटिंग के लिए यही कमरा मुख्तस किया हुआ है। वो लोग भी जो ऐसी ही खुफिया मीटिंग करते हैं, इन्हें भी यही कमरा दिया जाता है। इसने कहा और फिर खिड़कियों का हिसाब लगाकर बिना इशारा किए मुझे समझाने लगी। लेकिन अगर ये, मैंने पूछना चाहा तो वो बोली, देखो जब वो यहां आ जाएंगे और उनके कमरे का पता चल जाएगा तो मैं यहां से जाऊंगी। जो कुछ भी करना है मुझे अकेले करना होगा। मैंने तस्दीक चाही, बिल्कुल, क्योंकि जब तक तुम कुछ करोगे मैं चेक आउट कर जाऊंगी ताकि अगर मुझ पर कोई बात आए भी तो मैं कोई जवाब दे सकूं। उसने मुझे समझाते हुए कहा, ठीक है। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे वापस कमरे में नहीं जाना था। साइलेंसर लगा पिस्टल मेरे पास था, एक दस्ती बम मेरी जेब में मौजूद था। जो कार्रवाई भी करना थी यहीं से मुझे करना थी। हम वहीं खड़े बातें करते रहे। मुमकिन है हमें देखने वाले समझें कि हम न जाने किन रोमानवी बातों में उलझे हुए हैं। थोड़ी देर बाद हम एक बेंच पर आ बैठे। वो मुझे अपने बारे में बताती रही, मैं भी उसे अपने बारे में झूठ सच कहता रहा। हमें वह बैठे एक घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। ऐसे में सुनीता का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो मुझे वाजिब तौर पर उसके बदन में लर्जिश महसूस हुई। उसने तेजी से कहा, वो आ गए हैं, दूसरी मंजिल के उसी कमरे में है, यहां से वो देखो कौन सा बनता है। मैंने कहा तो उसने फिर से मुझे समझाया और बोली, अब निकलती हूं, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। उसने मुझसे हाथ मिलाया, उठी और बड़े सुकून से चलती हुई बाहर निकल गई। मैं उठकर टहलने लगा। मैं कुछ देर तक इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा। खिड़की तक पहुंच जाना कोई मसला नहीं था, लेकिन खिड़की खोलना ही सबसे बड़ा मसला था। जब तक मैं खिड़की खोलता तब तक मुझ पर फायर हो सकता था। मैं ये भी देखने की कोशिश कर रहा था कि उनके आने के बाद यहाँ कोई गार्ड्स तो तैनात नहीं कर दिए गए थे, ऐसा न हो कि जैसे ही मैं खिड़की तक पहुंचूं कोई मुझे निशाना बना थे। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये रिस्क बहरहाल मुझे लेना ही पड़ेगा। जमीन से खिड़की तक पहुंचने में मुझे एक मिनट से भी कम वक्त चाहिए था। खिड़की खोलना अगला मरहला था, इस पर कुछ न कुछ किया जा सकता था। मैंने तवील सांस ली, अपनी कुव्वत को यकजा किया, हथियार चेक करके सुकून से चलता हुआ इमारत के पास जाने लगा। मैं कदम बढ़ाता चला जा रहा था और मेरे खून की गर्दिश तेज से तेज तर होती जा रही थी। मैं इमारत के बिल्कुल पास चला गया, एक लम्हे को इधर उधर देखा और फिर एक ही जस्ट में पहले कमरे की अलमारी पर था। इस पर कदम रखते ही मैं दूसरी अलमारी को पकड़कर उसके साथ बने शेड पर चला गया। मैंने एक निगाह देखा, तीन अफराद अंदर बैठे हुए थे। मैंने तेजी के साथ पिस्टल निकाला और इसका दस्ता शीशे पर दे मारा। एक शनाके से शीशा टूटा। इससे पहले कि वो कुछ समझते मैंने जोर लगाकर कुंडी खोली तो मेरा हाथ लहू लुहान हो गया। खिड़की खुलते ही मैं अंदर था। मैं हैरान था कि किसी ने कोई हथियार नहीं निकाला। ये रिस्क था। मैं समझता था कि ऐसी मीटिंग जिसमें तरफेन पर एतमाद ना हो वहां हथियार कभी नहीं होते। सुलह करवाने वाला हमेशा ये ख्याल रखता है कि ऐसा कुछ ना हो। मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और बाहर जाने वाले दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। वो तीनों मुझे हैरत से देखते हुए खड़े हो गए थे। मैंने इन पर पिस्टल तानते हुए दरवाजे की चटकनी लगा दी थी। मैं सत्याराम और शिव नारायण को पहचान चुका था। तीसरा मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। कौन हो तुम, तीसरे ने पूछा। आसमान से टपकी हुई मुसीबत हूं, तुम यहां, तीसरे शख्स ने कहा। मैं बाहर से फायर कर सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम, मैंने कहना चाहा तो वह हैरत से मेरी बात काटते बोला, तो फिर तुम्हारा यूं आना किस लिए। तुम और शिव नारायण एक तरफ हो जाओ, मुझे सत्याराम से एक बात कहनी है। मैंने कहा तो सत्याराम ने एतमाद से कहा, मुझसे, बोलो क्या कहना चाहते हो। तुमने डॉक्टर कामरान मलिक और डॉक्टर फायजा मलिक को किसके कहने पर अगवा किया था। मैंने कहा ही था कि तीसरे शख्स के मुंह से बेसाख्ता निकला। ओह, तो वो तुम हो। हाँ, मैं ही हूं, बोलो। अच्छा हुआ तुम खुद ही चलकर यहां आ गए हो। सुनो, हमने इन्हें अगवा किया था। दुश्मन मुल्क बस दुश्मन मुल्क होता है, उसने गुराते हुए मुठियां भींच कर कहा। मैं समझ गया वो अब मुझ पर हमला करने को तैयार हो चुका है। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था।
मैंने कहा तो फिर सुनो, हम जिंदा हैं और घुसकर वापस भी ले जा चुके हैं। ये कहते मैंने सत्याराम पर फायर कर दिया। गोली उसके सर में लगी थी, वो चकरा कर गिर गया। मैंने पिस्टल उस तीसरे की जानिब कर दिया, अब वो मेरे निशाने पर था। मेरे अंदर गुस्से की लहर सर उठाने लगी थी। मैंने उसकी तरह देखकर कहा, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहता था लेकिन तू नहीं चाहता। लफ्ज मेरे मुंह में थे कि मैंने उस पर दो फायर किए। इस दौरान मैं पीछे हटता हुआ खिड़की तक चला गया था। जब तक मैं बाहर निकलता तब तक मैंने दस्ती मम निकालकर उसकी पिन निकाल ली। इस दौरान मैंने शिव नारायण को बाहर जाने का इशारा कर दिया और बम अंदर फेंक दिया। पहली खिड़की पर आकर मैंने छलांग लगाई और पूरी कुव्वत से जाली वाली बाउंड्री वाल की जानी तोड़ पड़ा। मैं जानता था कि ठीक 5 सेकंड बाद बम फट जाएगा। शिव नारायण का क्या बनता ये उसकी मुस्तैदी और हाजिर दिमागी पर था। मैं चाहता था कि वो बच जाए और मेरा पैगाम रियासती इदारे के बड़ों तक पहुंचाते। मैंने दस्ती बम उसलिए फेंका था कि लाजमी बात है इस खिड़की से मुझ पर फायर होना थे। अगर वहां से मुझ पर फायर होता तो मैं किसी सूरत बच नहीं सकता था। कम अज कम कुछ वक्त के लिए वहां से कोई भी फायर न कर सकता। जब तक कोई सूरत हाल समझता मैं निकल चुका होता। मैंने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि एक जोरदार धमाका हुआ। मैं भागते हुए लड़खड़ाया। हो सकता था कि मैं गिर भी जाता, लेकिन एक तो मुझे धमाके का खुद इंतजार था, दूसरा मैं इंतहाई कम वक्त में वहां से निकल जाना चाहता था। जब तक मैं जाली वाली बाउंड्री वाल तक पहुंचा मेरे पीछे चीखो पुकार मच चुकी थी। मैंने अपने पीछे नहीं देखा और ना ही मुझे कुछ देखने की जरूरत थी। मैंने जाली वाली बाउंड्री को पार कर लिया। दूसरी जानिब नशेब था। मैंने पांव टिकाने की बहुत कोशिश की लेकिन जमा नहीं सका। मैं थोड़ी दूर तक घिसड़ता चला गया। जैसे ही मैं एक खड़ की वजह से रुका, उठा और तेजी से कदम जमाता हुआ नीचे की तरफ जाने लगा। अंधेरा होने की वजह से मैं नशीब में देख भी नहीं सकता था कि कहां पर क्या है। मैंने सड़क पर पहुंचते अपना पिस्टल शर्ट के नीचे उड़स लिया। मेरा बायां बाजू खून में लथपथ था। मैं अपना जख्म भी नहीं देख पाया था। इस वक्त जलन का एहसास भी बहुत कम था। मेरी सारी तवज्जो वहां से निकल जाने की तरफ सरफ हो रही थी। मैं सड़क पर पहुंचा ही था कि एक कार जंग से मेरे पास आकर रुकी। हेडलाइट्स की रोशनी में मैं उसे देख नहीं पाया था कि बमला की तेज आवाज ने मुझे चौंका दिया। अरे बैठ! मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने गौर से देखा तो बमला की ऐनक मुझे नजर आई। तब तक उसने गाली देते हुए कहा, बैठ भी जा। मैंने पिछली नशिस्त का दरवाजा खोला और सीट पर बैठ गया। कार तेजी से चलती। जरा सा फासला तय करके उसने मुझसे कहा, फौरन अपनी शर्ट बदल दो, हथियार पीछे रख लो, अगर जरूरत पड़ी तो डैशबोर्ड में पड़ा है पिस्टल। शर्ट? मैंने पूछा। देखो पड़ी होगी शर्ट, उसने कहा। तो मैंने देखा सीट पर कुछ डिब्बे पड़े हुए थे। एक डिब्बा खोला तो उसमें मेरे साइज की शर्ट थी। मैंने अपनी शर्ट उतारते हुए पूछा, कब खरीदी तुमने ये? अभी चुप कर जाओ, मुझे इन गली मोहल्लों से निकलने दो। मैंने तेजी से शर्ट बदली, अपनी खून आलू शर्ट को नीचे दबाया और बमला से कहा, तुम गाड़ी मुझे दो, तुझे रास्तों का क्या पता, तुम बताती जाना। मैंने कहा तो उसने एक छोटे से क्रॉस पर गाड़ी रोक दी। मैं तेजी के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार को भगाने लगा। इस 5-स्टार होटल से जगतपुरा का इलाका कोई 20 किलोमीटर के फासले पर था। आम हालात में अगर मैं जाता तो 1 घंटा लगता, लेकिन मैंने 40 मिनट में वो सफर तय कर लिया। मैं बमला के कमरे में जाकर लेट गया। तब मैंने अपना बाजू देखा, काफी बड़ा जख्म था। मैं चंद मिनट उसे देखता रहा, फिर उठकर बाथरूम में चला गया। मैंने अपना बाजू धोया तो शदीद जलन होने लगी। मैं वहां कोई दवा देखने लगा। ऐसे में बमला कमरे में दाखिल हुई, उसके हाथ में फर्स्ट एड बक्स था। उसने मुझे बाथरूम में देखा तो बोली, ओके तुम नहा लो पहले, मैं बाद में ड्रेसिंग कर दूंगी। मैंने सर हिलाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। इस वक्त सुनीता न जाने कहां होगी। मैंने चाय का खाली कप एक जानिब रखते हुए यूं ही पूछा, वो इस वक्त सफर में होगी, वो ये शहर छोड़ चुकी है, अब वो यहां नहीं आएगी, बमला ने बड़े सुकून से बताया। वो क्यों, क्या वो? मैंने पूछना चाहा तो वो बोली, उसे यकीन है कि इस कत्ल की आला सतह पर तफ्तीश होगी। रियासती इदारे कोई मामूली तो नहीं है, वो इसका खोज निकाल लेंगे। इसका वही वेटर दोस्त इसे फंसा देगा। इसे तो पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, वो तो सब बता देगा। वो रुपोश रहेगी या फिर किसी दूसरे देश चली जाएगी। बमला ने यूं कहा जैसे वो एक आम सी बात बता रही हो। बमला, ये तुमने सब कैसे किया? इसने मेरे चेहरे की जानिब देखा, फिर बड़े आजुर्दा लहजे में बोली, तुमको क्या लेना है पूछकर, तुम्हारा काम हो गया और अब तुम चले जाओगे। ये बात तो सच है कि मुझे चले जाना है, लेकिन ये सब? ये कहते हुए मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। वो कुछ देर खामोश रही, फिर कहती चली गई, ये जो दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी को बड़ा महफूज समझती है ना, ऐसा नहीं है। इसका एक नफ्सियात से बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो है दूसरों को नीचा दिखाना। हो सकता है मैं गलत हूं, ऐसा ना हो, लेकिन मैंने इसी नहज पर काम किया।
कहने को बड़ी आजादी है लेकिन सभी किसी न किसी हद तक इसके गुलाम है। यहाँ गलत फहमी को बड़ी जल्दी फरोग दिया जा सकता है। बड़ी मामूली सी मिसाल है, जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रीन शॉट लगा देना, किसी की वीडियो वायरल कर देना, एक तफसील तलब बात है जो ऐसे समय नहीं आती। थोड़ा समझाओ ना, मैंने कहा। देखो, कंप्यूटर बना ही इसलिए था कि दुश्मन पर पूरे निशाने से बम गिराया जा सके। इस इजाद की बुनियाद ही में मनफी सोच है। ये तो दुनिया इस पर मुस्बत सोच ले आई। जिसकी बुनियाद में ही फसाद हो, उससे खैर की तवक्का क्या की जा सकती है। ममला ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा तो अचानक मुझे ख्याल आया, तभी मैंने उठकर बैठते हुए पूछा, ममला तुम्हारी गाड़ी पोर्च तक गई थी, जाहिर है वहां पर कैमरे तो लगे होंगे। इससे मैं भी उतरा था। मैंने कहना चाहा तो मुस्कुराते हुए बोली, इन कैमरों से मैं तुम्हारी तस्वीर तो निकाल नहीं सकती। हाँ, एक जगह से कोशिश की गई है कि इनके कंप्यूटर को हैक कर लिया जाए और पूरी फिल्म खत्म कर दी जाए। अब पता नहीं कामयाबी हुई है कि नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है, मैंने पूछा। हाँ मुमकिन है, जब से इस होटल को निगाहों में रखा हुआ था तब से इनके कंप्यूटर हमारी निगाह में थे। और तुम्हारी गाड़ी, अगर वो रिकॉर्ड इसमें रह गया तो, मैंने पूछा। गाड़ी तो चली भी गई, इसका रंग और ना जाने क्या कुछ तब्दील कर दिया जाएगा। पहले भी तो ऐसे ही मेरे पास आई थी, उसने कहका लगाते हुए कहा तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह बमला कोई आम सी लड़की नहीं थी, ये खतरनाक बला का नाम था। मैं सोच में पड़ गया, तभी मैंने कहा, तुम तो अलविदा करके चली गई थी, फिर वहां क्यों रही? अरे मेरे राजा, मैं तुम्हें कहती कि मैं यही हूं तो लाजमन तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में रहता, जबकि मैं जानती थी कि सुनीता ने जो तुम्हें फरार का रास्ता दिखाया है, इसके अलावा तुम कहीं से निकल ही नहीं सकते। तुम्हें किसी दूसरे रास्ते का पता ही नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही थी। इतना वक्त कहाँ गुजारा? मुख्तलिफ स्टोर्स पर खरीदारी करते हुए, यहां तक कि सुनीता ने मुझे कॉल करके बता दिया कि वो निकलने लगी है। मैं उसकी तरफ देखने लगा, वो बड़े प्यार से मेरी जानिब देख रही थी। इस लड़की का दिमाग कैसा था मैं अब तक समझ नहीं सका था। तभी मैंने अपने लहजे में मुलायमत खोलते हुए पूछा, अब मैं यहां से कैसे निकलूंगा? कम अज कम एक दो दिन तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, शहर में हर तरफ नाके होंगे, ऐसे मौकों पर पुलिस की अय्याशी हो जाती है, वो आम लोगों को तंग करके बहुत लूटते हैं। यह कहकर उसने खुमार आलूद लहजे में कहा, यहीं पड़े रहो ना, तुम्हारा क्या जाता है, तुम पर भी कोई उफ्ताद पड़ सकती है, मैंने उसे डराना चाहा। तुमसे बड़ी आफत भी कोई हो सकती है, उसने हंसते हुए कहा। फिर चंद लम्हों बाद वो संजीदगी से बोली, मैं जानती हूं कि तुम वो नहीं हो जो तुमने अपने बारे में हमें बता रखा है। मैं ये भी जानती हूं कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम वीर सिंह नहीं हो। तुम्हारा स्टाइल बता रहा है कि तुम कोई तरबियत याफ्ता हो, वक्त आने पर तुम मुझे कत्ल करके भी जा सकते हो। मैं एक ऐसे इंसान के पहलू में पड़ी हूं जो खतरे की सूरत में मुझ पर भी रहम नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सच्चाई नहीं जानना चाहती। बस ये रात और एक दिन मुझे दे दो, फिर तुम जहां चाहोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वादा, उसने कहा तो मैं सोच में पड़ गया। अगले ही लम्हे मैंने ये रिस्क लेने का फैसला कर लिया। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा, ठीक है मैं यही हूं। मेरे यूं कहने पर उसका चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया, उसकी आंखें तक खुश दिखाई देने लगी। वो सीधी होकर बैठते हुए बोली, आओ देखें अब तक क्या बना इनका। वो मुख्तलिफ चैनल और साइट्स पर जाती रही, कुछ सोशल मीडिया के लोगों और ग्रुप्स को देखती रही। इन सब से यही पता चला कि सत्याराम और तीसरा शख्स बुरी तरह कत्ल कर दिए गए हैं। शिव नारायण बाहर निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन इंतहाई जख्मी हो जाने की वजह से अस्पताल में पड़ा था। उसे अभी तक होश नहीं आया था। दूसरे लफ्जों में, अभी तक मेरा पैगाम रियासती इदारे तक नहीं पहुंचा था। इसका मतलब था कि यही वो मौका था कि मैं फरार हो सकता था। जैसे ही रियासती इदारों को पता चलता, एक ऐसा अनदेखा जाल मेरे गिर्द फैल जाने वाला था कि मैं चाहते हुए भी उससे निकल नहीं सकता था। कुछ देर पहले बमला से किया गया वादा और ये मालूमात मुझे चकरा देने के लिए काफी थी। जयपुर मेरे लिए अजनबी हो चुका था। श्रीधर का फोन बन जा रहा था, यूं लग रहा था जैसे उसने फोन ही कहीं फेंक दिया हो। उसे ऐसा करना भी चाहिए था, उसे तो यहां शहर में रहना था। साधु माई का नंबर मेरे पास महफूज था, लेकिन इन हालात में उससे राबता नहीं किया जा सकता था। बिलाशुबा वो जान गई होगी कि मैं यहां इस शहर में क्या करने आया था। जग्गूदादा और प्रताप सिंह वाले मामले के बाद सत्याराम वाले वाके तक पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर कोई आम कत्ल होता तो शायद वो खामोश रहती, लेकिन इसमें एक रियासती इदारे का बंदा भी कत्ल हुआ था।